हेलो फ्रेंड्स, ज्योति कृष्ण में आपका स्वागत है। आज हम आपको देखिए मल्टी कलर की कान्हा जी की ड्रेस की चोली बनाना बता रहे हैं। देखिए हमने ये कलर का देखिए यहाँ धागा लिया है और उसी से हमने बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए लास्ट में अभी हम यहाँ एक दो और तीन चेन बनाएंगे, इसको पल्टी करेंगे। और यहाँ पे भी हमने देखिए पहला एक सिंगल बना लिया है। अब हम इसमें सब में एक एक चेन में दो दो डबल क्रोशिया डालेंगे। ये देखिए हमारा पहले में दो हो गए हैं, हमने ये पहली चेन हो गई, एक डबल क्रोशिया डाल दिया। अब हम जितने भी हमारे पास बने चेन बनी हुई है ऊपर, सब में हम देखिए दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। कोई हमको चेन छोड़नी नहीं है, सब में हमको दो दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए सब में भी हम एक एक में दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए बना के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, हम लास्ट में आ गए, सब में हमने दो दो डबल क्रोशिया डाल लिए और यहाँ पे लास्ट में सिंगल डाला। पहले भी हमने सिंगल डाला था, यहाँ भी सिंगल डाला। अब हम फिर से एक दो और तीन तीन चेन लेंगे और इसे पल्टी करेंगे और उसको फर्स्ट वाले में, ये देखिए फर्स्ट में हम खाली एक सिंगल डबल क्रोशिया डालेंगे। अब एक दो देखिए हमने शुरू में एक चेन बनाई थी तीन, उसके बाद हमने चार डबल क्रोशिया बनाया। अब पांचवें में हम एक ही चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये एक दो। फिर हम चार बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन और चार। ये चार बार बनाई, पांचवें में हम इसको डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम ऐसे ही पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। एक चार बार सिंगल सिंगल डालेंगे, पांचवें बार में एक ही में दो बार डबल क्रोशिया डालेंगे, तीन और ये एक चार। अब हम इसमें डबल क्रोशिया डालेंगे, उसके बाद ऐसी ही लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये सर्कल तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब हम तीन चेन डालेंगे, एक दो तीन, और इसको पल्टी करेंगे। और पल्टी करने के बाद ये देखिए यहाँ से भी हम सिर्फ आगे वाला ही, ये देखिएगा आगे वाले से ही हम पाँच डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, पीछे वाला हमको नहीं लेना है, दो तीन ये चार। ये देखिए हमारे एक चेन का हो गया, एक दो तीन चार हमने बना ली। अब हम सात छोड़ेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और आठवें में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिर्फ आगे वाला ही हमको लेना है, दो तीन चार पाँच छः
सात आठ नौ दस, दस की अभी हम इधर से गिन लेंगे। एक दो तीन चार पाँच हमने ये पीछे का रखा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ में भी हमको डालना है, इसलिए हम यहाँ पे भी एक और बना लेंगे। अभी हमने ग्यारह यहाँ बना लिए हैं, फिर हम ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठवें में हम वापस से डालेंगे, एक दो तीन चार और ये पांचवा हमने चेन के अंदर डाल दिया। इस तरह ये हमारा देखिए यहाँ से ये ऐसे हमारी बाँ बन जाएगी, और ये देखिए इस तरह ये हमारी ऊपर चोली का ऊपर का हिस्सा देखिए कितना सुंदर लग रहा है, किनारे किनारे सी आ गई। अब हम यहाँ से फिर से तीन चेन डालेंगे, एक दो और तीन। अब हम यहाँ वापस सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, किसी में भी हमको डबल नहीं बनाना है, सब में भी हम ऑर्डिनरी जैसे बनाते थे वैसे ही अभी हमको सिंगल क्रोशिया बनाना है। चलिए अभी हम बना के दिखाते हैं कैसे सब में एक ऐसे ही सिंगल डबल क्रोशिया बना के लाइन कंप्लीट करते हैं। देखिए अब लास्ट में आए, अब लास्ट में हम ये डबल क्रोशिया बनाए और अभी हम एक चेन करके यहाँ पर धागा अपना काट देंगे, यहाँ से धागा काट देंगे। देखिए ये हमारी कान्हा जी की चोली, देखिए तो मैंने तो छोटे साइज़ के बनाए हैं, आप देख रहे होंगे ये छोटे साइज़ के ही बनाए हैं। आप अगर बड़ा बनाने चाहते हैं तो आप इसको 17 चेन डाले थे और धागा था इसलिए और छोटी बनी है, और आप ऊन से बनाएंगे तो 17 चेन में भी थोड़ी बड़ी बनती है। आप बड़ा बनाना चाहें तो इसमें आप अपना चेन जो है वो बढ़ा सकते हैं, 17 की जगह 20-22 चेन आप कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारी कान्हा जी की चोली तैयार हो गई है, चलिए अभी धागे अंदर कर देंगे हम सब। देखिए हमारे कान्हा जी की ड्रेस की चोली बन गई है। आप ये साइड सीधा रखिए या ये साइड सीधा रखिए तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ से किनारी आ गई है। तो चलिए अभी अगला बनाएंगे।